गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। सर्वप्रथम हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय तथा शुभ फलदायक सिद्ध हो। नया वर्ष आने वाला है, आप सभी सोच रहे होंगे कि देखते हैं यह वर्ष मेरे लिए कैसा होता है, इस वर्ष मैं यह कार्य करूँगा या मेरा यह कार्य हो जाता तो अच्छा होता इत्यादि। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि नव वर्ष 2018 किस कार्य के लिए अच्छा रहेगा या किस कारण से अच्छा नहीं रहेगा या यह कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम हमारे ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपके अंतर मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर कृपा दृष्टि। अक्टूबर के महीने तक गुरु की कृपा दृष्टि आपको मिलती रहेगी तथा आप सेहतमंद बने रहेंगे, किंतु वर्ष के दूसरे चरण अर्थात अक्टूबर मास के पश्चात से आपको सेहत के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम परिवर्तन होने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपको हृदय या सीने से संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखने की परामर्श दी जाती है तथा राहु व शनि का उपाय भी करवाने की परामर्श दी जाती है। अन्य कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना नहीं है। वर्षांत के दो महीनों में वाहन चलाते समय सावधानी रखने की परामर्श दी जाती है। देखा जाए तो पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति के प्रति यह वर्ष आपके लिए मिले जुले परिणाम प्रदान करने वाला है। किसी विशेष कार्य अथवा व्यवसाय वृद्धि के लिए निवेश आंख मूंद कर ना करें। आर्थिक कंगाली के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, अतः अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, तभी आप धन बचाने में सफल हो पाएंगे। अक्टूबर से आर्थिक स्थिति के प्रति तेजी से सुधार होगा। यदि आप वास्तु उपाय से आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन अवश्य होगा। यदि आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं तो आपकी यह इच्छा की पूर्ति इसी वर्ष हो जाएगी तथा आप अपने पुराने मकान की साज सज्जा में धन खर्च कर सकते हैं। शेयर बाजार में धन निवेश ना करने की परामर्श दी जाती है, किंतु यदि आप अच्छे से सोच विचार करने के पश्चात निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा, किंतु ऐसा निरंतर ना होकर कभी कभी ही होगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। लग्नेश शनि आपके लाभ भाव में होने के साथ लाभेश तथा धनेश होकर गुरु आपके भाग्य भाव में है, अतः इस वर्ष आपके अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके व्यापार की अपार वृद्धि होगी। बृहस्पति की लग्न व तीसरे भाव में दृष्टि के कारण आपका आत्मबल पहले से अधिक रहेगा। आपके भीतर एक उत्तम उत्साह देखने को प्राप्त होगा तथा वह उत्साह आपको आपके व्यापार में सफल बनाएगा। सितंबर माह के पश्चात धन भाव के स्वामी गुरु भी कर्म स्थान में आ जाएंगे, अतः धन लाभ का योग बन रहा है। आप अपने व्यापार के माध्यम से असीमित धन कमाएंगे। स्वाभाविक है कि लाभ तभी प्राप्त होगा जब व्यापार अच्छा चल रहा हो। राशि स्वामी शनि लाभ भाव में है,
यह स्थिति व्यापार में लाभ प्रदान करने वाला है। यदि आपका व्यवसाय कला, वेशभूषा, वास्तुकार तथा निर्यात से जुड़ा है तो अपार लाभ होगा। वहीं जो जातक विदेशी सेवा से जुड़े हैं तो उनकी भी कमाई अच्छी होने वाली है। यदि साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, व्यर्थ विवाद से बचें, धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूर्ण जांच कर लें। नौकरी पैसा वाले जातकों को तरक्की प्राप्त हो सकती है तथा प्रयास करने पर अच्छी जगह स्थानांतरण भी संभावित है। पारिवारिक जीवन। वर्ष के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आने वाली हैं, किंतु यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। गुरु के प्रभाव से सभी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अतः व्याकुल होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यह वर्ष पारिवारिक संबंधों के लिए अत्यंत शुभ रह सकता है। जीवन में सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं, अतः वैवाहिक विषयों में यह आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र विवाह की है तो यह वर्ष आपको संपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। सगाई व वैवाहिक संबंध के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा, किंतु ध्यान दें कि यह शुभ कार्य अक्टूबर के महीने से पहले ही होने आवश्यक हैं। इस वर्ष क्रोध तथा अविश्वास के कारण आपके पारिवारिक जीवन में अनबन हो सकती है, अतः गुस्सा तथा अविश्वास को रिश्तों के बीच में ना आने दें। रिश्तों को सभी के दृष्टि से समझने की कोशिश करें, तभी कोई निर्णय लें। धैर्य बनाए रखें, क्रोध अथवा उत्तेजना में कोई बड़ा निर्णय ना लें तो सब अनुकूल रहेगा। आप अपने अंतर्मन की बात माता के साथ कर सकते हैं, किंतु पिता के साथ विचारों की लड़ाई हो सकती है, अतः सावधान रहें तथा वाद विवाद से यथासंभव बचें। संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रहेगी। रोजगार। यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो आपके लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भविष्य फल के अनुसार कार्यस्थल पर यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। कार्यस्थल पर आपको प्रधान तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही काम के लिए आपकी प्रशंसा भी होगी। जनवरी से मार्च की अवधि में आपकी अच्छे पद पर पदोन्नति भी होगी तथा आवक में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इसी अवधि में विवादों से आपका नाम जुड़ सकता है तथा आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, अतः आपको कार्यस्थल पर इस दौरान अत्यंत ही सावधान रहना होगा तथा सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष प्रारंभ में अधिक स्पर्धात्मक रहेगा। यह वर्ष मिश्र फलदायी रहेगा। पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो मन नकारात्मक चिंताओं से घिरा रहेगा। शनि के कारण एकाग्रता का अभाव रहेगा। कुछ समय के लिए आपके आत्मविश्वास तथा याददाश्त में कमी हो सकती है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं रहेगी, अतः व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के पश्चात विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सुनहरा रहने वाला है। शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति का प्रभाव आपके शिक्षा के विशेष भावों अर्थात नवम, पंचम तथा लग्न पर रहेगा। शिक्षा के स्तर में सुधार का यह एक सकारात्मक संकेत है। गुरु की कृपा से आपके शिक्षा का स्तर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के जीवन में कई सारे बदलाव होंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप मेहनत करना तथा पढ़ाई करना त्याग दें। सफलता कभी आसानी से प्राप्त नहीं होती, अतः अपने स्तर पर मेहनत करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें तथा सही दिशा में प्रयास करें। पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय निकालें, साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
क्योंकि सेहत संबंधी परेशानियों से पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माता पिता तथा गुरुजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि कहीं दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो पिताजी से अनुरोध करें। पूरी आशा है कि वो आपकी भावना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है तथा इस समय आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। कुछ जातकों का मनचाहे विद्यालयों में भी नामांकन प्राप्त होगा। नए विषयों को सीखने में अभिरुचि बढ़ेगी। अगस्त का महीना व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा रहेगा। उपाय: अपने क्रोध पर संयम बनाए रखें तथा वाद विवाद से बचें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। यथासंभव शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिश्री तथा खीर खिलाएं, जिससे निर्धनता तथा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल देना शुभ रहेगा। नया कार्य प्रारंभ करने से पहले सही प्रकार से सूक्ष्म परीक्षण कर लें, उसके पश्चात ही वह कार्य प्रारंभ करें। किसी के प्रलोभन में आकर कोई निर्णय ना लें। धार्मिक स्थल की नियमित रूप से सफाई करवाएं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें तथा सूर्यास्त के समय लाल सूर्य देव को सीधा देखें व प्रार्थना करें। प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को राम भक्त हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। प्रत्येक शनिवार को शनि देव के मंदिर के दर्शन करें। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।